तो जी क्या आपने कभी बर्फ रबड़ी खाई है? अगर नहीं खाई है तो आज हम आपको दिखाएंगे भाई बर्फ रबड़ी। और ये जो हम इस टाइम, मैं बता दूं, हम हैं इस टाइम आगरा वाले रूट पे, और यहाँ पे जो एक भैया हैं बर्फ रबड़ी बना रहे हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। तो क्या नाम है आपका? नाम और बर्फ भंडार के नाम। अच्छा, कृष्णा रबड़ी भंडार। तो ये क्या बना रहे हो, क्या क्या बनाते हो? ये रबड़ी वाली चुस्की बना रहे हैं भैया। ये रबड़ी है आपकी? जो फेमस चुस्की है भाई, ये इनकी रबड़ी है। और ये रबड़ी कैसे बनती है? दूध की बनती है भैया। दूध की? हाँ। तो सारी चीजें इनसे पूछते हैं एक बार, कैसे बनाते हैं ये, क्या करते हैं। तो भैया कितने टाइम से ये बेच रहे हो आप बर्फ रबड़ी? भैया 5 साल हो गए। 5 साल यहीं पे कंपलसरी, यहीं पे लगाता हूं। यहीं डेली 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, फिर उसके बाद मैं अपने गांव में लगाता हूं। तो मुझे एक बार रबड़ी दिखाओ पहले तो। वाह भाई वाह भाई, ये है इनकी रबड़ी। ये रबड़ी चला के दिखाएंगे जरा कैसी है। इसमें क्या क्या डालते हो आप? इसमें थोड़ा शक्कर डालता है और दूध की बनता है और कोई मिलावट नहीं करता। अच्छा, शक्कर भी है, इस वजह से थोड़ी चिपचिपी लग रही है शक्कर की वजह से। भाई आप इनका देख लो सेटअप, थोड़ा साफ सुथरा सही है। और साथ में ये बर्फ, तो ये बर्फ तो पिघल जाती होगी गर्मियों में ज्यादा। पिघल जाती है, थोड़ा सा पिघलती, ज्यादा नहीं पिघलती। तो एक बना के दिखाएंगे जरा कैसे बनाते हो। कितने वाला लगाना है? कितने कितने वाला है? 10 रुपए से स्टार्ट है। 10, 15 20, 25, 30 बना दो, 30 वाला बना दो। अच्छा, ये भी तोल के आता है क्या? नहीं, तुम्हारी रबड़ी आएगी तोल के, और कुछ नहीं आएगा। अच्छा, तो कितने ग्राम जाती है 30 रुपए में? 100 ग्राम। 100 ग्राम रबड़ी, क्या बात है, प्योर दूध की है ना। हाँ, कोई मच्छर नहीं मिलेगा भैया। भाई ये गई हमारी रबड़ी और ये तुल गई, थोड़ी कम रह गई है। अब क्या करोगे इसमें? इसमें बर्फ डालेंगे भैया। आइस अब ये गई इसमें बर्फ। क्या बात है भाई, बर्फ के ऊपर रबड़ी, नहीं रबड़ी के ऊपर बर्फ। और ये क्या है? ये ना भैया कुछ भी डालो, ये तैयार है। ये क्या डाला आपने ऊपर से? ये शक्कर डाले थोड़ा मिठास करने के लिए, स्वीट करने। तो इसको मिला के खानी है, कैसे खानी है? खानी मिला के खानी। तैयार है ये? तो भाई ये 30 रुपए की बर्फ रबड़ी तैयार हो गई हमारी, और देखने में जो काफी बढ़िया सी लग रही है।